जब मैं 17 साल का था तब मैं बहुत सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखता था, पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि मैं इन नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। हाई गाइज, माई नेम इज निधि प्रधान। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ टिप शेयर करूंगा ऑन हाउ टू प्रैक्टिकली चेंज योर लाइफ एंड इंप्लीमेंट थिंग्स दैट यू लर्न। स्टार्टिंग विद टिप नंबर 1, रिड्यूसिंग द कंजम्पशन। सो मैं अपनी फेवरेट यूट्यूबर्स की वीडियो देखता था जिससे मुझे नॉलेज मिले एंड मैं अपने लाइफ में ग्रो कर सकूँ, तो ये था मेरा मेन एम। पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, मैं बहुत स्टैगनेंट फील कर रहा था। सो मैंने जो भी कंटेंट मैं देखता था, जो भी चीज़ें मैं सीखता था लोगों से, मैंने उसे कम कर दिया। मैंने खुद को थोड़ा सा दूर रखा नॉलेज को कंज्यूम करने से। तब जाकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास इतना सारा नॉलेज है पर मैं सारा अपना टाइम और नॉलेज गेन करने में लगा रहा हूँ, पर जो नॉलेज है उसे इंप्लीमेंट करने में नहीं लगा रहा हूँ। सो मैंने अपने नॉलेज कंजम्पशन को कम किया एंड जो टाइम मुझे मिलता था तो मैंने सीखा कि ये नॉलेज है, अब इसे मैं इंप्लीमेंट करूँगा अपनी लाइफ में। तो अगर आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ चेंज करनी है, सो नॉलेज को कंजम्पशन जो रहता है आपका, उसे आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा एंड देन यू विल रियलाइज कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर पा रहे हो। डू इट नाउ। सो अगर आप किसी वीडियो से कोई चीज़ सीखते हो, आपको उसे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अगले दिन करूँगा, अगले महीने करूँगा, इसका तो काम मुझे अगले साल है। आपको उसे पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जो भी आप सीखते हो, सो अगर वो प्रैक्टिकली आप अभी कर सकते हो, यू शुड डू इट। जैसे कि मैंने एक वीडियो से सीखा पोमोडोरो टेक्निक के बारे में, जहाँ पे आप 25 मिनट्स तक कोई डीप वर्क करते हो एंड 5 मिनट्स का ब्रेक लेके फिर से 25 मिनट्स डीप वर्क में लग जाते हो। सो ये मैंने एक वीडियो से सीखा। सो मैंने उसी दिन इसे अप्लाई किया जब मैं अपनी वीडियो की स्क्रिप्टिंग कर रहा था। सो मैंने 25 मिनट्स का अलार्म लगाया, मैंने डीप वर्क किया, 5 मिनट्स का रेस्ट लिया, फिर से डीप वर्क 25 मिनट्स किया। सो ये हुआ कब, जब मैंने जो नॉलेज ग्रैप्स किया उसे मैंने उसी दिन डू इट नाउ कर दिया, मैंने उसे उसी दिन अप्लाई कर दिया। इससे आप अपनी नॉलेज को फास्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू प्रैक्टिकली चेंज योर लाइफ। टिप नंबर 3, हैव सेल्फ टाइम। तो पुरानी बात है, जब मैं स्कूल में था तो मैं पहले स्कूल जाता था मॉर्निंग में, उसके बाद इवनिंग में ट्यूशन्स होने के बाद मैं रात को जिम जाता था। अगर देखा जाए पढ़ाई का भी एक सीन रहता था, सप्लीमेंट कब करता था चीज़ें, मैं तब जिम की वीडियोज़ देखता था क्योंकि मैं तब जिम में नया था। तब मैं 9th और 10th स्टैंडर्ड में था, मुझे जिम के बारे में तो पता नहीं था, कौन सी मसल को कैसे ट्रेन करना है, कितने बजे जाना है, डाइट में क्या खाना है, कौन सा रूटीन करना है, कौन सी मसल्स को कैसे ट्रेन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं तब वीडियोज़ देखता था घर में। वीडियो देखने के बाद मैं जिम जाता था रात को 8-9 बजे। तो वीडियो में जो नॉलेज मैं लेता था वो मैं जिम में अप्लाई करता था। सो बेसिकली मेरा सेल्फ टाइम तब था जिम में जाके जिम का नॉलेज अप्लाई करना जो मैं ऑनलाइन देखता था। तो देखिए, जिम गया, अपना जो फ्री टाइम मेरा जो था, सेल्फ टाइम था मेरा, जिम मेरा सेल्फ टाइम था तब, तो मैं उसे अप्लाई करता था एंड जो भी सीखता था उसे इंप्लाई करता था। अभी मेरा सेल्फ टाइम होता है, मैं कुछ प्रोडक्टिव चीज़ कर रहा हूँ, चाहे फिर वो मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, दैट इज़ माई सेल्फ टाइम, क्योंकि मैं चीज़ें सीखता हूँ और वो उसे मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू, अपने कॉन्टेंट, अपने डेली लाइफ, अपने हैबिट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करता हूँ। टिप नंबर 4, फिल्टर आउट। सो ये टिप आपको लाइफ टाइम में काम आएगी। ऑनलाइन 10 चीज़ें सीखोगे, पर उन 10 चीज़ों से आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या आपकी डेली लाइफ में काम आएंगी, आपको वो देखना है। 10 चीज़ें इसलिए क्योंकि आज कल हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऑल कंटेंट से भरा है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, पर उसमें से जो राइट चीज़ होंगी वो एक चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है, वो एक चीज़ आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगी। फिल्टर आउट जो भी आपके काम में नहीं, जो आपको 2 साल बाद काम आएंगी, जो आपको 5 साल बाद काम आएंगी, जो आपको अगले साल काम आएंगी, क्या आपको इसकी ज़रूरत है, नहीं। सो उसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करो, उस चीज़ को फिल्टर आउट करो जो आपके काम की है। वो एक चीज़ हो सकती है जिसे आप अच्छे से करोगे एंड आप काफ़ी 99% लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि जो आपके काम का नहीं है आप उसे ही इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, वो नहीं हो पाएगा। सो जो काम का है उसे सीखो, उसे ध्यान दो, उसे इम्प्लीमेंट करो एंड दैट विल हेल्प यू टू चेंज योर लाइफ। हे गाइस, दिस वाज माय वीडियो, आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया सो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।